हमेशा कहा जाता है कि किसी भी नई जगह जाओ तो साफ मन से ऊपर वाले को याद करके जाओ। दिव्या ने हाल ही में नई जगह नई नौकरी ज्वाइन की थी और आज उसका ऑफिस में तीसरा दिन था। तीसरा दिन होने की वजह से काम काफ़ी सारा आया और उसने सोच लिया था कि आज ही सारा काम ख़त्म करके घर जाऊंगी, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में ही रुकी और अपना डिनर बाहर से ही मंगवा लिया। और डिनर खाकर उसने रिसेप्शन पर कॉल किया और कहा कि चाय दे जाना। उधर से आवाज़ आई, जी मैडम। उसके बाद दिव्या अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दिव्या बोली, यही टेबल पे चाय दे दीजिए। करीबन 2 मिनट के बाद भी चाय जब टेबल पे नहीं पहुंची और दरवाजे की आवाज़ एक बार फिर से आई, दिव्या बोली, अरे चाय यही दे दो ना, क्या बार बार अंदर बाहर कर रहे हो। दिव्या ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो उठी और इधर उधर ढूंढने लगी। उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था कि आखिरकार चाय कहाँ रखी है, लेकिन उसे चाय कहीं भी नहीं दिखी। दिव्या दूसरे कैबिन में घुसी, वहाँ भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे कैबिन के दूसरे कॉर्नर में गई तो एसी डक से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। दिव्या वहाँ से निकली और अपने डेस्क पे जा बैठी कि तभी फिर से दिव्या से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में बाहर रिसेप्शन पे पहुँची और बोली, अरे यार क्या लगा रखा है, कब से कह रही हूँ चाय टेबल पे दे दो, अंदर बाहर किए जा रहे हो। दिव्या की बातें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बोला, मैडम अगली बार आप इंटरकॉम पर फ़ोन कर लीजिएगा, अंदर से सीधी आपकी आवाज़ बाहर नहीं आती है। दिव्या ने गुस्से में कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लग रही हूँ, बेवकूफ़ समझ रखा है, 15 मिनट पहले इंटरकॉम पर कॉल करके मैंने कहा था कि अंदर चाय दे जाओ। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बोला, सिक्योरिटी ने कहा, मैडम मैं तो आधे घंटे पहले ही खाना खाने गया था, अभी बस 2 मिनट पहले ही। दोनों के बीच ये बातचीत चली रही थी तभी हाउसकीपिंग वाला आमिर वहाँ आया और सिक्योरिटी को अपने आंखों से इशारा किया। दिव्या को कहा, मैडम इनका टेबल छोड़ के जाना अलाउड नहीं है सिवाय खाना खाने के, आज आपका तीसरा दिन है, आप इतनी देर रात तक यहाँ रुकी हैं, आप थक गई होगी, बेहतर होगा कि आप घर चले जाएँ क्योंकि यहाँ रात के बाद शहर के रास्ते ठीक नहीं हैं। दिव्या उनके आंखों के इशारा समझ गई थी, नई जगह नए लोगों की बात मान लेना ही ठीक है। और उसके बाद दिव्या आधी रात अपने घर के लिए निकल पड़ी। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो वैसे ही आवाज़ आई, सिक्स्थ फ्लोर। दिव्या ने सोचा कि लिफ्ट में खराबी आ तो आजकल कॉमन है, और फिर दिव्या अपने घर की ओर चली गई। 10-15 दिनों तक दिव्या के साथ ऑफिस में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और 2 दिन के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और ऑफिस के सब लोग अपने घर जा चुके थे। दिव्या अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी। दिव्या अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी तभी एक आवाज़ आई। जब उसने इस आवाज़ का पीछा किया तो उसे पता चला कि ये आवाज़ लेडीज टॉयलेट से आ रही है। दिव्या उस आवाज़ का पीछा करके अंदर गई बाथरूम में और उसने लेडीज टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये आवाज़ खिड़की के खुले होने की वजह से आ रही है। दिव्या ने खिड़की को बंद किया और जैसे ही वो उस लेडीज टॉयलेट के बाहर निकली कि तभी फ्लश करने की आवाज़ आई। दिव्या बाथरूम की तरफ गई लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। दिव्या दौड़ते हुई रिसेप्शन पे भागी और सिक्योरिटी से कहा, एक बार अंदर चलकर चेक कीजिए, कोई तो बाथरूम में है। सिक्योरिटी ने कहा कि मैं ये टेबल छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, मैं आमिर को अंदर भेजता हूँ, आमिर आएगा और चेक करेगा, आप चिंता मत कीजिए मैडम। थोड़ी देर बाद आमिर अंदर गया और आमिर ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं आ गया हूँ, आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर टहलता हूँ, आप अपना काम कीजिए। दिव्या की सांस में सांस आई। दिव्या ने दोबारा काम करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ किसी के खुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, कोई तो वहाँ पे बातें कर रहा था। दिव्या ने गौर से आवाज़ सुनी तो वो दिव्या इस आवाज़ का पीछा कर रही थी। तो जब उसने इस आवाज़ का पीछा किया तो उसे बाथरूम के कोने से खुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। दिव्या ने जब उस तरफ जाकर देखा तो आमिर वहीं पर था। दिव्या चिल्लाई कि तुम किससे बात कर रहे हो। आमिर बोला, किसी से भी तो नहीं मैडम, मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। दिव्या ने कहा, अपना मोबाइल दिखाओ। तो आमिर बोला कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है मैडम। परेशान से दिव्या ने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, घर के लिए निकली। लिफ्ट जैसे जैसे ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ती जा रही थी उसके साथ किसी की सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुँची तो ना किसी की आवाज़ें आ रही थी ना वहाँ पर कोई था, बस एक ही आवाज़ आई, सिक्स्थ फ्लोर। दिव्या घर पहुंची, हाथ मुंह धोया, बैठे बैठे खाना खा रही थी तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो फ़ोन उसकी माँ का था।
उन्होंने बताया कि दिव्या के पिता का इमरजेंसी ऑपरेशन होना है और उसके लिए तुरंत ही 5 लाख रुपये चाहिए। दिव्या ने तुरंत लैपटॉप निकाला और डोंगल लगाया, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट ही हो नहीं रहा था। थक हार कर उसने अपनी गाड़ी निकाली ऑफिस की तरफ जाने के वास्ते, और ऑफिस पहुँच कर उसने देखा कि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। उसने सिक्योरिटी को आवाज़ लगाई तो वो भागा भागा ऊपर से नीचे आया। दिव्या बुरी तरह चीखने लगी, अगर तुम्हें ऊपर जाना अलाउड नहीं है तो अब कैसे चले गए? सिक्योरिटी गार्ड घबरा के बोला, मैडम मैं तो खाना खाने गया था, आप अंदर जाइए, मैं अभी अमीर को भेजता हूँ। दिव्या अंदर गई और पैसे ट्रांसफ़र कर ही रही थी कि अचानक एक आवाज़ आई। ये आवाज़ बाथरूम की ओर से आ रही थी। दबे कदमों के साथ दिव्या जब बाथरूम के पास गई और दरवाज़ा खोला और वहाँ देखा तो वहाँ आमिर खड़ा था। ये देखकर दिव्या की सांस में सांस आई। उसने आमिर को चाय लाने के वास्ते कहा और दोबारा अपने काम में लग गई कि तभी ठीक ये आवाज़ प्रिंटर के पास से आ रही थी। दिव्या जब प्रिंटर के पास गई तो उसने देखा प्रिंटर से ब्लैक प्रिंट्स निकल रहे थे। आमिर के अंदर घुसते ही प्रिंटर अचानक बीच में रुक गया। आमिर ने चाय अंदर रखी और जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, प्रिंटर में से अटका हुआ कागज़ पूरी तरह से बाहर निकल गया। ये सारी चीज़ें दिव्या के आंखों के सामने हुई थी। उसने तुरंत रिसेप्शन पे जाकर आमिर से जाकर कहा कि वो तुरंत दिव्या के साथ आकर दिव्या के कैबिन में बैठे। आमिर उस फ्लोर में आया और टहलने लगा। ठीक थोड़ी देर बाद फिर से खुसुर फुसुर होने की आवाज़ें आई। दिव्या के पैसे अब तक ट्रांसफ़र हो चुके थे। वो सीधा आमिर के पास गई और उस पर चीख पड़ी, किसी से बात कर रहे हो, करते रहते हो, पागल पागल हो क्या? आमिर ने इस बार कुछ भी नहीं कहा, सर झुकाकर उसने पूरी बात सुनी और सिर्फ एक ही बात कही, मैडम रात हो गई है, रास्ते यहाँ सेफ नहीं है, अब घर चले जाइए। दिव्या ने अगले ही दिन एडविन डिपार्टमेंट से CCTV फुटेज मंगाया, जिसे देखने पर सारी सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। दिव्या ने सब सच्चाई देखकर ऑफिस से सबके निकलने का इंतज़ार किया। सबके जाने के बाद में दिव्या ने आमिर को अपने कैबिन में बुलाकर CCTV फुटेज बताई दिखाई और उसने पूछा, अब बोलो क्या बोलते हो कि अब सच बता दो नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। आमिर मुस्कुराया और बोला, मैडम मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और बड़े मालिक के साथ उसके भी 10 साल पहले से नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरी नौकरी जाने से रही, लेकिन जब सच्चाई आपके सामने है तो आपको बता दूँ आखिरकार ये है क्या। दिव्या आमिर की बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी। तभी उसने कहा, बड़े मालिक या तो एक ही चेयरमैन है। ये सुनकर आमिर ने कहा, ये कंपनी दो पार्टनर्स ने शुरू की थी और दोनों कॉलेज के दोस्त थे। बिजनेस जब बहुत अच्छा चल रहा था, चलने लगा, तब दोनों के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। मेरे मालिक को दूसरे मालिक ने पैसों के लिए जान से मारने की धमकी दी। बचपन की दोस्ती में ऐसी बात सुनकर और दूसरे सारे टेंशन्स को लेकर इन सब के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया और उसी जगह पर उन्होंने दम तोड़ दिया जहाँ पर आप बैठे हो। इसके बाद अपने आप दिव्या समझ गई कि ये सब क्यों हो रहा है और आमिर किससे बात कर रहा है। अगले ही दिन जब दिव्या ऑफिस में आई, देखा तो ऑफिस में पुलिस आई हुई थी। पता चला कि आमिर हार्ट अटैक से मारा गया। दिव्या चुपचाप वहाँ से घर चली गई और अपना रिजिग्नेशन लेटर ईमेल से भेज दिया। दिव्या आज भी मुंबई में रहती है और इतना सब कुछ होने के बाद किसी के खुसुर फुसुर करने की आवाज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।